सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए, HDFC क्रेडिट कार्ड फाइनली हमारा अप्रूव हो चुका है। और ये क्रेडिट कार्ड इतना जल्दी अप्रूव हो गया कि हमारा अप्लाई वाला वीडियो एडिट ही हो रहा था तब तक अनबॉक्सिंग भी तैयार हो गया, यानी कि फिजिकल कार्ड मेरे पास रिसीव भी हो गया। तो आज के इस वीडियो में HDFC क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, कार्ड अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा ये कार्ड कौन सा वेरियंट में मिला है, रुपये या वीजा, और लिमिट हमें कितना मिला है। इसी के साथ आज मैं HDFC का 8वां क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्सिंग करूंगा, जो कि रिसेंट महीने में 5-6 क्रेडिट कार्ड हमें मिल गया है, क्योंकि HDFC के क्रेडिट कार्ड अभी बहुत ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं। तो जिस भी फैमिली मेंबर का सिविल जनरेट हो चुका है सभी का मैंने अप्लाई किया और सभी का हमारा अप्रूव हो चुका है, तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करें, रिसेंट समय में हाई अप्रूवल चल रहे हैं। चलिए फटाफट से इसका लिमिट देख लेते हैं और उसके बाद हम कार्ड को अप्लाई करके दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है अप्रूवल तक। तो देखिए कार्ड का पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से है और HDFC और फ्रीडम का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है और बैक साइड कुछ इस प्रकार का है। चलिए इसे ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पे कार्ड तो हमें रुपए वेरियंट द्वारा इशू किया हुआ मिल गया है जिसे हम UPI ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और ये फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है। और वहीं पे इस कार्ड के जितने भी बेनिफिट है सब इस पेज के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ही बेस वेरिएंट का कार्ड है तो इससे ज्यादा हम बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 5x कैश पॉइंट हमें EMI स्पेंड के ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि कोई भी बैंक EMI स्पेंड के ऊपर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देते हैं। लेकिन इनके एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू है यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है, एक कैश पॉइंट बराबर 15 पैसा। चलिए लिमिट देखते हैं हमें कितना मिला है। तो लिमिट हमें सिर्फ और सिर्फ 24,000 दिया गया है, जो कि लिमिट काफी कम है, लेकिन अच्छा बात यह है कि कार्ड अप्रूव हो चुका है। चलिए तो इससे ज्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम करते हैं कार्ड को अप्लाई। तो देखिए दोस्तों HDFC क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है या आपको पैन नंबर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ या पैन नंबर में कोई एक चीज फिल करना है, उसके बाद OTP वाला बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा और गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपना डाटा फिल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, उसके बाद मोबाइल पे OTP आएगा, OTP हम यहां पे सबमिट करेंगे, उसके बाद व्यू द बेस्ट कार्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए उसके बाद यहां पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहां पे मिडिल नेम डालना है, और मिडिल नेम ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहां पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे आपको पैन नंबर डाल देना है, उसके बाद यहां पे आपको पर्सनल ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद योर एम्प्लॉयमेंट टाइप यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों कुछ डाटा हमारा यहां पे ऑटो फिल है क्योंकि इस फैमिली मेंबर का HDFC में अकाउंट है, तो अगर अकाउंट है तो अकाउंट के बेसिस पे कुछ बेसिक जो डाटा है वो फिल हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और अकाउंट नहीं है तो मैन्युअली आपको फिल करना पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं रहता है। इसी के साथ साथ देख लीजिए यहाँ पे हमारा एड्रेस दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या इसी एड्रेस के ऊपर कार्ड मंगवाना चाहते हैं, तो यस के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपका HDFC में कोई रिलेशन नहीं होगा तो एड्रेस भी आपको मैन्युअली ही फिल करना पड़ेगा, जिसमें लाइन 1 लाइन 2 एरिया सिटी पिन कोड लैंडमार्क भी आपको देना पड़ेगा। चलिए वहीं पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर मैं देखूं क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ और रिटायर्ड, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे योर कंपनी नेम का ऑप्शन आ गया है और योर करंट डेजिग्नेशन का ऑप्शन आ गया है, वर्क ईमेल, और वर्क ईमेल ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे कंपनी नेम एंटर करते हैं और डेजिग्नेशन एंटर करते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे कंपनी नेम टाइप करेंगे और वो कंपनी नहीं आता है लिस्ट में तो आपको सिंपली यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको नया कंपनी नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे अपना कंपनी नेम डाल देंगे। तो चलिए सारा डिटेल हमने फिल कर दिया, चेक बेस्ड ऑफर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे 90 सेकंड का यहाँ पे वेटिंग टाइम चल रहा है, देखते हैं क्या यहाँ पे अप्रूवल निकल के आता है या नहीं निकल के आता है। हालांकि अकाउंट काफी नया नया है, 1 महीना भी पुराना नहीं हुआ है और 10,000 हमने डाल करके अकाउंट खोला था और 2 दिन बाद हमने निकाल भी लिया था पैसा और लगभग 10 दिन पुराना अकाउंट हो चुका है। फाइनली यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है, हालांकि HDFC में लिमिट शो नहीं करता है कि कितना लिमिट का कार्ड का अप्रूवल हमें आया है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 कार्ड का अप्रूवल हमें शो किया है, पहला है फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, दूसरा है स्विगी क्रेडिट कार्ड और तीसरा है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, जो कि तीनों बिल्कुल ही बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है। और क्योंकि हमारा नया अकाउंट है, कुछ दिन पुराना अकाउंट रहता तो लाइफ टाइम फ्री कार्ड का ऑफर आता, तो यहाँ पे हमें कार्ड का चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि 500 रुपए इस कार्ड का चार्जेस है और एनुअल चार्जेस वे ऑफ हो जाएगा अगर हम 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडम कार्ड का। और वहीं पे स्विगी कार्ड का अगर मैं देखूं तो इसका भी ज्वाइनिंग चार्जेस 500 है और 2 लाख रुपए हम साल में स्पेंड करेंगे तो इसका एनुअल चार्जेस हमें वे ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ साथ इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे 500 रुपए ज्वाइनिंग के साथ हमें मिल रहा है और 50,000 रुपए स्पेंड करेंगे 1 साल के अंदर, तो एनुअल चार्जेस वे ऑफ हो जाएगा। हालांकि साइड बाय साइड हम कंपेयर
भी कर सकते हैं कार्ड को, जहां पे देख लीजिए इस कार्ड का हाईलाइट है कि 10x रिवॉर्ड पॉइंट हमें दिया जाएगा, और वहीं पे स्विगी कार्ड का हाईलाइट है कि 10% का कैशबैक हमें स्विगी के ऊपर मिलेगा। फूड और इंस्टामार्ट के ऊपर हम ऑर्डर करते हैं तो इसी के साथ साथ ऑनलाइन स्पेंडिंग के ऊपर 5% का कैशबैक मिलेगा, 1% का ऑफलाइन स्पेंड के ऊपर हमें कैशबैक मिलेगा, और इंडियन ऑयल कार्ड के ऊपर 5% का कैशबैक हमें फ्यूल के ऊपर मिलेगा अगर हम फ्यूल परचेज करते हैं तो। इसी के साथ साथ हर एक सेगमेंट में हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रीडम कार्ड में हमें कैश पॉइंट मिलेगा, वहीं पे स्विगी वाले कार्ड में कैश बैक मिलता है, और इंडियन ऑयल वाले कार्ड में फ्यूल पॉइंट मिलता है। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया आ जाता है कैश बैक, यानी कि जो भी अमाउंट बनता है वो सीधे आपके कार्ड में आ जाएगा। रिवॉर्ड में या फ्यूल पॉइंट में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमें रिडीम करना पड़ेगा और रिडीम का वैल्यू कुछ और मिलेगा, और यहाँ पे क्या है कैश बैक, यानी कि कार्ड में ही पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप साइड बाय साइड सभी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम फ्रीडम कार्ड ही लेंगे, चाहे स्विगी के ऊपर बेनिफिट ज्यादा हो, लेकिन हम फ्रीडम कार्ड को ही कंटिन्यू करेंगे। तो गेट दिस कार्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और कार्ड का चार्जेस यहाँ पे बताया जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन हम यहाँ पे एग्री करके और गेट दिस कार्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल कुछ पूछा जा रहा है, जहाँ पे देख लीजिए प्लीज इंटर योर ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 और एरिया सिटी पिन कोड स्टेट सारा कुछ फिल कर देना है ऑफिस एड्रेस का, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं जो भी एड्रेस है वो आपको फिल कर देना है। चलिए मैं अपने हिसाब से फिल करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए उसके बाद एंड पेज के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन हम एग्री करना है, यहाँ पे क्लिक करके सबमिट एंड वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही सबमिट और वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब ये कह रहा है कि आपका HDFC में अकाउंट है, इस चीज को वेरीफाई करो। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट हमें चाहिए, कार्ड का एक्सपायरी डेट चाहिए, और ATM पिन चाहिए, और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई करना चाहूंगा, तो नेट बैंकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू करना है, और ये फाइनली हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है नेट बैंकिंग के थ्रू, और एप्लीकेशन नंबर भी हमें मिल चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए लिंक टू ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस विल बी सेंड टू यू SMS शॉर्टली। चलिए इस वीडियो को हम तब कंटिन्यू करेंगे जब हमारा कार्ड अप्रूव हो जाएगा, देखते हैं कितना दिन में क्या क्या प्रोसेस के साथ कार्ड अप्रूव होता है। चलिए तो दोस्तों मान के चलता हूं आपको भी इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। मेरा एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ, देखिए दोस्तों हमारे इस फैमिली मेंबर का HDFC में अकाउंट था, हमने नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर दिया, तो हमें KYC करने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो KYC डेफिनेटली करना होगा, जो कि वीडियो KYC का लिंक आपको एंड पेज के ऊपर मिल जाता है, या ईमेल और SMS के थ्रू भी आपको भेजा जाता है अगर आपका एप्लीकेशन इंस्टेंट डिक्लाइन नहीं होता है तो। जिनको वीडियो KYC का लिंक मिल गया वो समझ लो कि इंस्टेंट आपका डिक्लाइन नहीं हुआ है, आपका कार्ड अप्रूवल की तरफ बढ़ रहा है। खैर मैं अपना अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही हमने ये सबमिट किया उससे 24 घंटे के अंदर जब मैं ट्रैक करता हूं तो हमारा कार्ड अप्रूव शो कर रहा था। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि 24 घंटे के किस अंतराल में ये हमारा कार्ड अप्रूव हो गया, क्या पता 2-4 या 10 घंटे के अंदर ही अप्रूव हो गया हो, लेकिन जब हमने नेक्स्ट डे चेक किया था स्टेटस तो ये अप्रूव शो कर रहा था। लेकिन अगर आपका HDFC में अकाउंट नहीं होगा, पहले से कोई क्रेडिट कार्ड होगा, तो भी 100% ये कार्ड आपका अप्रूव हो जाएगा, और अगर HDFC में अकाउंट नहीं है, सिविल भी ठीक ठाक नहीं है, तो हो सकता है आपका होम या ऑफिस वेरिफिकेशन हो, और ये भी हो सकता है कि आपको इनकम डॉक्यूमेंट देना पड़े अगर आपका सिविल नहीं है या सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो। तो यही कुछ सिंपल सा तरीका रहने वाला है HDFC क्रेडिट कार्ड लेने का। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी बैंक का बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव हो ही जाते हैं, और फ्रीडम क्रेडिट कार्ड हमने जानबूझ के सेलेक्ट किया था क्योंकि ये काफी बेस वेरिएंट का कार्ड है, काफी लोअर वेरिएंट का कार्ड है HDFC में। हालांकि आपके सिविल आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कौन सा कार्ड का अप्रूवल आता है ये तो आपके प्रोफाइल आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाइए कार्ड को अप्लाई करिए, अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड मिल जाएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।